देखो इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिंग कैसे निकालते हैं। मान लो रिंग पे चार्ज फैला हुआ है क्यू, मान लो रिंग का रेडियस है आर, तो रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पे आप मुझे बताओ पोटेंशियल क्या होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है, के इंटू कितना चार्ज है अपॉन कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है। तो आप मुझे बताओ यहाँ से चार्ज कितना दूर पड़ा हुआ है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या सिखाया, ई क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, देखो के तो कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, तो देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर माइनस हाफ, क्योंकि ये हाफ हो जाएगा ऊपर जाके माइनस हाफ। देखो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो पावर है उसको आगे बुलाओ, अब पावर में से एक घटा दो, तो माइनस हाफ पहले से था माइनस वन। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट, जैसे एक्स रेस्ट टू पावर एन है, कैसे करते हैं, एन को आगे बुलाओ, एन में से एक घटा दो, लेकिन अब अंदर का भी तो करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट है, टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स। देखो टू से टू गया तो आपका देखो कितना आ गया, चेक करो ये कितना आ गया, ये माइनस भी तो है, तो माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू एक्स और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड।